हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें क्या कर देता है, रिडायरेक्ट कर देता है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज के ऊपर। तो जितनी बार भी हम लोग इस ब्राउजर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर बार क्या होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जा रहा है। दोस्तों, आज से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, बट अभी क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर 11 है उसको परमानेंटली कंप्यूटर से रिटायर कर दिया है। ठीक है, जब भी आप उसको ओपन करोगे तो वो नहीं चलेगा, उसको अब रिटायर कर दिया गया है। तो उसकी जगह में उसका जो रिप्लेसमेंट है वो है एज ब्राउजर। बट दोस्तों, अभी भी क्या हो रहा है, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही ओपन होती है, वो कंपेटिबल नहीं है एज ब्राउजर के साथ, ना ही वो क्रोम ब्राउजर के साथ कंपेटिबल है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग अभी भी हमारे जो ओल्ड वेबसाइट्स है या कुछ ऐसे यूआरएल है जो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेंगे उसको हम लोग किस तरह से एक्सेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें क्या कर लेना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर को सर्च करूंगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में टाइप कर दिया IE। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आया मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक मुझे स्विच कर देगा एज ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक एज ब्राउजर ओपन हो गया है। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास 3 डॉट्स दिख रहे हैं, सेटिंग्स एंड मोर। ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए और नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। ठीक है, मैं थोड़ा और इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये सेटिंग्स पर जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा डिफॉल्ट ब्राउजर। अब जैसे आप डिफॉल्ट ब्राउजर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे पहले एक ऑप्शन था अलाउ साइट्स टू बी रिलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर IE मोड। ठीक है, तो पहले दोस्तों ये ऑप्शन काम करता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसको क्या कर लेते थे, अलाउ करते थे, तो क्या होता था, हमारा IE ब्राउजर ओपन हो जाता था। बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करते हो तो एक आपके पास एक यहाँ पे एक नया ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेज। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, एज ने अभी भी आपको क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपका कोई भी यूआरएल है या कोई भी वेबसाइट अभी भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन करना चाहते हो तो आप उसको 30 डेज के लिए ओपन कर सकते हो। आफ्टर 30 डेज आप उस वेबसाइट को या फिर उस पर्टिकुलर यूआरएल को नहीं ओपन कर पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ इस समय मेरा काम हो जाए, ठीक है, तो बाकी आप मैनेज कर लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका यूआरएल है या फिर जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा कोई एक यूआरएल था, ठीक है, या मेरा कोई एक आईपी एड्रेस था जो मुझे क्या करना है, IE मोड में ही ओपन करना है। मेरा ओपन हुआ रहेगा एज, बट इसका जो प्रोसेस होगा वो बैकएंड में बिल्कुल जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के ऊपर होता था वो होगा। ठीक है, या फिर जो भी आपका एक्सवाइजेड यूआरएल है वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, उसको ऐड पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे दोस्तों आप ऐड पे क्लिक करोगे, ये देखिए ये यूआरएल यहाँ पे ये ऐड हो गई है और ये वैलिड है आज की डेट से और ठीक 1 महीने तक के लिए। ठीक है, 1 महीने बाद ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आपके मल्टीपल यूआरएल है आप उसको ऐड करके एक्सेस कर सकते हो, पहला तरीका तो ये रहा, बट ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है। ठीक है, अब जैसे आप ये सेटअप कर लोगे तो आप इसको रिस्टार्ट कर लोगे, एक तरीका तो ये था। ठीक है, तो आप 30 दिन के लिए इसको एक्सेस कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी आपका ब्राउजर है दोस्तों, जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, चाहे आपका एज ब्राउजर है, चाहे क्रोम ब्राउजर है, चाहे फायरफॉक्स है, या कोई भी और ब्राउजर हो सकता है, उसके ऊपर ही अगर आपको IE टैब सेट करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने गूगल सर्च कर लिया। अब जैसे ही मैं गूगल सर्च बार में आता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा IE स्पेस टैब। ठीक है दोस्तों, अब ये IE टैब मेरे को किसके लिए चाहिए, अभी मैंने एज ब्राउजर ओपन कर रखा है तो मैं यहाँ लिखूंगा IE टैब फॉर एज। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर है तो आप एज की जगह में क्रोम लिखेंगे, अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो आप एज की जगह में आप फायरफॉक्स लिखेंगे। अब जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया यहाँ पे IE टैब के लिए। ठीक है, ये मेरे को टैब क्या करनी है, एड ऑन करनी है, तो मैं फर्स्ट वाली टैब पे यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है राइट साइड में, देख रहे हो IE टैब का जो एक्सटेंशन है वो मुझे क्या कर लेना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं गेट पे क्लिक कर लूंगा राइट हैंड साइड पे। अब जैसे ही मैं गेट पे क्लिक करता हूँ, ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लिया। अभी क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने में। ये देखिए जैसे ही ये मेरा डाउनलोड हो गया तो मुझे पॉपअप आ गया, या राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे ये डाउनलोड हो रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है,
तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और उसने मुझे मैसेज दिया है आईई टैब हैज बीन एडेड टू माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे ई का एक सिंबल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एक्सटेंशन या टैब मैंने अभी ऐड किया है उसको चेक करूंगा। तो ये यहाँ पे देखिए, मैं भी ये जो एक्सटेंशन के लिए एक सिंबल बना हुआ है, जैसे देखो मैं अपना कर्सर लेके गया हूँ तो यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा गया, मैं उस पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए आई टैब लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया तो इसने एक जस्ट एक मैसेज दिया है, यहाँ पे इसने एक मैसेज दिया है, थैंक यू फॉर ट्राइंग आई टैब, यू आर ट्राइंग अ 2 week फ्री ट्रायल ऑफ आई टैब एंड अ लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर दैट, योर ट्रायल विल बी एक्सपायर्ड ऑन 1 month। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये आई टैब भी अगर आप यूज कर रहे हो ना तो ये इसको भी इन्होंने लिमिट कर दिया है सिर्फ 2 week के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तब तक 2 week के लिए हम इस ब्राउजर को, इस एक्सटेंशन टैब को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ओके पे, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए ये पेज खुल गया है यहाँ पे, ये एक सेटअप को डाउनलोड करेगा, ये भी ऑटोमेटिक होगा दोस्तों सारा सेटअप डाउनलोड। और जैसे ही ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसको रन कर देना है। अब दोस्तों क्या है, आई टैब हमने क्या कर दिया है, उसको एक्सटेंशन है वो अपने कंप्यूटर में ऐड कर दिया है। जो ये मैंने एक्टिविटी बताई थी दोस्तों आपको, ये था मेरे एज ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एज ब्राउजर को वापस क्लोज करता हूँ और अगेन मैं क्या करूंगा, इस बार एज ब्राउजर को ही ओपन करूंगा। ये देखिए मेरा एज ब्राउजर ओपन हो गया है, बट मुझे इस बार क्या करना है, इसके जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन वाली टैब है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आई टैब को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको दिख रहा है नीचे वाला एड्रेस बार जो अभी ब्लैंक है, जो भी आपका इस बार वेबसाइट होगी या यूआरएल होगा आप उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मेरा कोई एक डिवाइस है जो सिर्फ आईई पे ही चलता है, तो मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ पे जो एड्रेस है वो टाइप कर दूंगा, ठीक है। आपके केस में सपोज क्या पता कोई वेबसाइट हो, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट अभी भी ऐसी है जो सिर्फ पोर्टल पे चलती है, तो आप क्या करोगे वो वेबसाइट इस पे टाइप कर लोगे, तो वो वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी और आप अपना काम कर सकते हो। ये तो था हमारा एज ब्राउजर के लिए। इन केस दोस्तों अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, गूगल क्रोम पे सर्च करोगे आई टैब फॉर क्रोम, ठीक है आपका, क्योंकि क्रोम ब्राउजर है तो आप इसको सर्च कीजिए। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है आई टैब ऐड करने के लिए, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अभी ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर ले रहा, ऑटोमेटिक एक सेटअप फाइल डाउनलोड हुई और उसने क्या किया यहाँ पे हमारा आई एक्सटेंशन को ऐड कर दिया है सिस्टम पे। अब हमारा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, आप राइट हैंड साइड पे ऊपर टॉप पे देखिए कि एक्सटेंशन वाला जो हमारे पास टैब आ रहा है उस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये देखिए आई टैब आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। अब जैसे दोस्तों मैं आई टैब पे क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जो ये आपका ट्रायल है आई टैब का ये 2 week के लिए फ्री है, ठीक है। तो आप भी हमको जस्ट ये एक्सेस करना है तो आप क्या कीजिए ओके पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको एक सेटअप फाइल है उसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और अब आप क्या कर सकते हो आई ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हो। ये देख रहे हो आपको एड्रेस बार, ये वाले एड्रेस बार में आपको क्या करना है, जो भी आपका यूआरएल है या फिर जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से जो भी आपका रहेगा, और उसके बाद आप इंटर कर लीजिए। तो क्या होगा, जो पहले एज ब्राउजर में या क्रोम ब्राउजर में एक्सेस नहीं हो रहा था, वो आप आईई टैब के थ्रू इन ब्राउजर में भी एक्सेस करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इनकेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप फिर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं मिला हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।